हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों के फिनांशियल रिजल्ट्स है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस, स्टैंडअलोन फिनांशियल रिजल्ट से लैक्स में नंबर्स दिए गए। इनकम यहाँ पे 546 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 498 करोड़ था और सितंबर 21 क्वार्टर में 359 करोड़ का इनकम था। इस बार के इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स कंपनी का जो निकल के आया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7.5 लाख की प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 8.7 लाख था और सितंबर 21 क्वार्टर में 7.5 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले क्वार्टर में 8.7 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 76 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट आई है, बट ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट्स बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। EPS 1.14 रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी गिरावट आई, बट पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिला, बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट एवरेज देखने को मिल रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें, लैक्स में नंबर्स दिए गए। इनकम यहाँ पे 547 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 498 करोड़ था, सितंबर 21 क्वार्टर में 360 करोड़ का इनकम था। इस बार के इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में तेजी देखने को मिला है। प्रॉफिट्स यहाँ पे कंपनी को 7.7 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 8.2 करोड़ था और सितंबर 21 क्वार्टर में 34 लाख का लॉसेस था। तो यहाँ पे कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स में गिरावट आई है, बट ईयर ऑन ईयर की लॉसेस रिकवर करते हुए देखने को मिली, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस, प्रॉफिट जो गिरावट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, इसलिए क्योंकि कंपनी का जो है सो एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है। 537 करोड़ का एक्सपेंसेस है, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस, और ये जो एक्सपेंसेस बढ़ा है इस बार, एक्साइज ड्यूटी जो पड़ा है गुड्स के सेल में, जो एक्साइज ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा इस बार लगा है, और पिछले क्वार्टर और पिछले साल में कोई भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं लगी थी, जो कि इस बार 26 करोड़ के आसपास की यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगी है। इसके कारण कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम यहाँ पे इसके EPS की बात करें तो 1.16 रुपीज़ का EPS है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, बट पिछले साल से यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे शुगर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स एंड स्प्रिट्स और अदर्स, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि आप लोग रेवेन्यू यहाँ पे जो मेनली जो इसका जनरेट होता है रेवेन्यू, शुगर से मेनली इसका रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, जो कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे। जो कि गाइज, उतना कुछ खास रिजल्ट इस बार देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है इसके प्रॉफिट्स में। तो गाइज, अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।